हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फोर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20th ऑफ जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वाई टू वी फॉर इल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माय फ्रेंड टुक 3 months लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीबी, बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन अ फ्यू डेज। सो आज ज्ञान की क्वेरी क्या है कि जिज्ञासा दीदी, जो मेरा एक फ्रेंड है उसने जो है टीबी के लिए 3 months की लीव स्कूल से ली है, बट हम जो है हम क्या हैं कि मोस्ट ऑफ अस ज्यादातर क्या होता है कि हम बीमार होते हैं और फिर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, देखिए, ज्ञान, डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड एंड कैंसर एटसेट्रा डैमेज अवर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज। सो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज है, थायराइड है या कैंसर है, ये क्या करते हैं, ये हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा बैडली अफेक्ट करते हैं एंड एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये ठीक नहीं होते। सच डिजीजेज लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये डिजीज जो है बहुत लंबे समय तक रहती हैं। सो दीज डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। और बेटा, जो ये डिजीज लंबे समय तक रहती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती हैं, दे आर नोन एज क्रॉनिक डिजीज। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रॉनिक डिजीज कहेंगे। बट इफ यू हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिविस एटसेट्रा, दे कैन बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर हो जाए, सिरदर्द होता है, हेडेक, तो ये प्रॉब्लम कैसी हैं, ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं एंड दे कैन बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज। द डिजीज दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ऐसी डिजीज जो कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं, दे आर नोन एज एक्यूट डिजीज। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। दे डोंट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को ऐसा कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं जैसे कि क्रॉनिक डिजीज करती हैं। ठीक है, तो बेटा हमने 2 टाइप की डिजीज पढ़ा, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्रॉनिक डिजीज, शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक हो जाने वाली एक्यूट डिजीज। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। तो बेटा जो डिजीज एक पर्सन से जो सफरिंग कर रहा है, ठीक है, सफर कर रहा है, उससे जो है हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफर जो होंगी, दैट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज भी हम इनको कहेंगे। दीज आर कॉल्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉज्ड पैथोजेंस, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, इनसे ये होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। दीज डिजीजेस आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और ये डिजीज जो है, दीज आर स्प्रेड बाय एयर वाटर, इनसे ये जो है स्प्रेड होती हैं, ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर होती हैं। बेस्ड ऑन देयर कॉजिटिव एजेंट दीज डिजीज कैन बी कैटेगराइज एज, इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स एटसेट्रा। तो बेटा ये जो डिजीज है, ये बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज है, टाइफाइड है, कोलरा है, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स। नेक्स्ट देखिए, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज एक्ने। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो एक्ने कॉज करता है, यानी जो मुहासे होते हैं वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वायरल डिजीज, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू एंड एड्स एटसेट्रा, लाइक सार्स वायरस कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरल डिजीज बेटा, वायरस से होने वाली डिजीज, कोल्ड होगी, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, डेंगू, एड्स, ठीक है,
जैसे सार्स वायरस जो है वो क्या करता है, वो भी रेस्पिरेटरी एक सिंड्रोम है, रेस्पिरेशन में उसके कारण रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखिए फंगल डिजीज, मैनी फंजाई कॉज स्किन डिजीजेज एंड स्किन इन्फेक्शन। तो बेटा बहुत सारी जो फंजाई हैं वो स्किन डिजीज कॉज करती हैं, स्किन इन्फेक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया, कालाजार, कालाजार एक्सेट्रा लाइक प्लाज्मोडियम वीवैक्स प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया और लेशमानिया कॉज कालाजार। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्री इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजिली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो, यू कैन गेट 10% ऑफ बाय रेफरल कोड OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सो जस्ट डाउनलोड फिलो नाउ। कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, लाइक मलेरिया है, कालाजार है। मलेरिया होगी प्लाज्मोडियम वीवैक्स से और कालाजार होगा लेशमानिया से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये आपके पेपर में जो है पूछ ली जाती है। बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल दीजिए, वायरल डिजीज के, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगी, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर एंड कैटरेक्ट, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, या आंखों की जो कैटरेक्ट प्रॉब्लम होती है वो किसी दूसरे को नहीं जो है लगेगी अगर कोई पर्सन उसे सफर कर रहा है। These are called non-infectious disease. Next देखिए, non-communicable disease are caused by unhealthy lifestyle, improper functioning of some internal organs or glands. तो जो non-communicable disease है वो कैसे हो सकती है, अगर हमारा lifestyle unhealthy है, हमारी जो है improper functioning है, अगर किसी भी इंटरनल ऑर्गन वो हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, अगर हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या एज फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर वी हैव एनी डिजीज अवर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज। तो बेटा जब भी हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अगर अच्छे से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी में साइन अपियर होने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक, लूज मोशन, कफ, फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड। जैसे कोविड के क्या सिम्टम है, हेडेक होगा, लूज मोशन होंगे, कफ होती है, फीवर आएगा, तो ये सब कोविड के सिम्टम्स होंगे। और अगर स्वेलिंग है इन नेक, इन सिम्टम इज अ गॉइटर डिजीज। गॉइटर डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी नेक है वो स्वेल कर जाती है, तो ये भी क्या है, एक सिम्टम है किसका, गॉइटर डिजीज का। द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड स्टार्ट मेल फंक्शनिंग एंड गिव साइन और सिम्टम ऑफ द डिजीज। और इसमें क्या होगा बेटा, द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड, जो हमारी बॉडी के जो भी टिश्यू अफेक्ट होता है वो, या कोई भी ऑर्गन इफेक्ट होता है तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, ठीक है। और उससे क्या होते हैं कि उससे हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स वो उस डिजीज के अपियर होने लगते हैं। नाउ आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको 4 questions दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो आइए बेटा इन क्वेश्चंस को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो देखिए, डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज, फॉर एग्जांपल डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस एग्जांपल रहेगा। लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती है दे आर नोन एज क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट डिजीज, डिजीज दैट आर क्योर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड दे आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, हेडेक एटसेट्रा।
सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कैसे स्प्रेड होती है, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स। तो आपको उनके जो है एग्जाम्पल भी देने हैं। सो यहां से हम करेंगे, देखिए, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, बैक्टीरियल डिजीज आप दे सकते हो, कोलरा, टाइफाइड। उसके बाद आप वायरल डिजीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, COVID-19, डेंगू एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जाम्पल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, उनके एग्जाम्पल देने हैं। सो दोज डिजीज विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। ठीक है, सो जो डिजीज जो ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। क्वेश्चन 4 है, इज COVID-19 एक्यूट डिजीज, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि क्या COVID-19 एक्यूट डिजीज है, बिकॉज इट इज क्योर। तो यस, जो COVID-19 है वो एक्यूट डिजीज है। ठीक है, क्यों है एक्यूट डिजीज, बिकॉज इट इज क्योर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में जो है, शॉर्ट पीरियड में ये ठीक हो जाती है। सो इसीलिए ये क्या है, ये एक एक्यूट डिजीज है। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। होप आपको वर्कशीट जो है क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।